press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके सामने होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी, सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाजिया अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जो मूवी आ रही है इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के ऊपर, क्या लग रहा है आपको? कंगना है मेरी फेवरेट है वैसे कंगना, आजकल तो खैर वो भी पॉलिटिशियन भी बन गई है, क्या क्या लग रहा है आपको मूवी में क्या होगा? देखिए कंगना जी की हर मूवी बहुत ही सब्जेक्टिव आती है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आती है, और जब भी वो किसी सत्य के आधारित पर वो मूवीज बनाती हैं तो पूरी एक टीम काम करती है उस पर, ताकि किसी भी तरीके की कोई इफ एंड बट की जगह ना खाली रह जाए। तो 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो तब भी काला दिन था भारत के लिए, आज भी काला दिन है और हमेशा रहेगा। और दो दिन पहले कल इमरजेंसी के इमरजेंसी काला जो एक सिचुएशन भारत ने देखा था, भारतवासियों ने देखा था, उसकी 50वीं बरसी थी और 50 साल पूरे हुए थे, और उस पर काफी मतलब इस मूवीज में बहुत सारी चीजों को दिखाया गया है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं और श्री राज नारायण जी के बीच में जो एक केस लड़े गए थे और अमेठी से जीत उन्होंने धोखे से जीता था, और उसके बाद फिर उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, फिर नसबंदी लगवाई थी, फिर अटल जी ने कैसे आओ बंधुओ ना मर्द बनो की उन्होंने की कविता बनाई, उसके बाद फिर राजीव गांधी जो 1989 में अमेठी के कैंडिडेट हुए उसके ऑपोजिट में राजमोहन गांधी, मतलब हमारे गांधी जी फादर ऑफ नेशन जिनको बोला जाता है, मैं नहीं बोलती हूँ, उनके ग्रैंडसन पोते जो थे वो राजीव गांधी जी के ऑपोजिट में खड़े हुए थे, और पूरे बैलेट बॉक्स को उन्होंने रिगिंग करवाई थी राजीव गांधी जी ने, 97 बूथ कैप्चर करवा करके जीत हासिल की थी। उसी तरीके से श्री राज नारायण जी के जब अपोजिट में इंदिरा गांधी जी खड़ी हुई थी तो सेम इसी तरीके से वो भी बूथ कैप्चर करा करके रिगिंग करवा करके उन्होंने राज नारायण जी को हराया था और खुद जीती थी। और जब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, पहले अलाहाबाद कोर्ट पहुंचा, फिर सर्वोच्च न्यायपालिका पहुंचा, और जब इंदिरा गांधी जी की चेयर खिसकती भी नजर आ गई क्योंकि सारे कोर्ट को न्यायपालिका को समझ में आ रहा था कि ये रिगिंग हुई है और ये बहुत बड़ा घपला हुआ है, तो उन्होंने इमीडिएट पूरे भारत में इमरजेंसी लगाई और जिस तरह से हाहाकार मचा, जिस तरह से 67 भारत के आर्टिकल्स को उन्होंने अमेंड किया, जिस तरह से इमरजेंसी लगाने के बाद सारे अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को उठा करके उन्होंने जेल में डाला, लालू प्रसाद यादव ने तो मीसा एक धारा लगवाती थी इंदिरा गांधी जी, अच्छा ये मेरे खिलाफ बोल रहा है मीसा धारा के तहत इसको जेल भेजो, अच्छा ये मेरे खिलाफ बोल रहा है इसको उठाओ और इसको जेल भेजो, तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया था, ताकि उन्होंने उस वक्त अपने आप गूगल में सर्च करेंगे तो याद आपको दिख जाएगा, उन्होंने ये बात अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि मैंने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा है ताकि इंदिरा गांधी जी का अत्याचार हम में से किसी के दिमाग से निकले ना, इसलिए मैंने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा रखा है कि इंदिरा गांधी जी ने जो अपोजिशन नेताओं के ऊपर जो अत्याचार किया है वो याद रहे, इसलिए बच्चे का नाम है। उसके बाद फिर जिस हिसाब से उन्होंने विपक्षियों को जेल भेजने का जो एक जेल भरो आंदोलन चलवाया, उसके बाद सारे जो राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार हुआ करती थी उनको वो जेलबंदी करवाती थी, और जब कोर्ट में खड़े होकर के वो पार्टी के लीडर बोलते थे कि भाई हमारा क्राइम क्या है ये तो बताएं, तो उस वक्त उनको बताया जाता था कि तुम्हारा क्राइम सिर्फ इतना है कि तुम विपक्षी हो, और जब पार्लियामेंट बिल्कुल खाली था जिसमें सिर्फ इंदिरा गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के होते थे, तो बहुत सारे संविधान के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है जिसकी पूरी फहरिस्त में लेकर के बैठी हूँ कुछ आर्टिकल्स में बता दे रही हूँ जी, जैसे आर्टिकल 329, उसके बाद फिर
1976, 40 articles, article 31, article 31C, article 39, article 35, article 74, article 77, article 81, article 82, article 83, 100, 102, 103, 105, 118, 125, 150, 166, 170, 172, 189, 191, 192, 194, 208, मतलब ऐसे बहुत सारी फहरिस्त है जिसके साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया। आप जैसे आर्टिकल 28 लेकर के आया गया, नेहरू साहब लेकर के आए थे और उसके बाद फिर उन्होंने मंदिरों पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन मस्जिदें और मदरसे उन्होंने छोड़ दिए। उसके बाद फिर आर्टिकल 25 लाया, नेहरू साहब लाए, उसके उसमें उन्होंने कन्वर्शन को एप्लीकेबल करवाया। तो कन्वर्शन जैसे 7 करोड़ की आबादी आजादी के वक्त में मुसलमानों की थी, फिर वो कन्वर्शन करवा करके मुसलमानों ने उस आबादी को बढ़ाया और अल-तकिया, दाई, उसके बाद जिहाद, उसके बाद जजिया का पूरा एक सिनेरियो सेट हुआ। तो कांग्रेस के सिनेरियो में, कांग्रेसी पीरियड में जिस तरह से संविधान के साथ खेला गया, हिंदुओं के विश्वास के साथ खेला गया, वो ये सारी चीजें इस मूवी में दिखाई गई है। तो हल्का सा टच मुझे लगता है कि इसका भी है कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायपालिका निर्भया के बलात्कारियों के लिए खुला करता था, किस तरह से अजमल कसब के लिए सोनिया गांधी जी के टेबल से फोन जाता था कि आज अजमल कसब को बॉम्बे के इस रेस्टोरेंट का बिरयानी पहुंचाया जाएगा, किस तरह से यासिन मलिक के साथ मनमोहन सिंह जी दस्तरखान पे मुगलिया खाना खाया करते थे, किस तरह से नेहरू साहब, इंदिरा गांधी जी बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के फूल चढ़ाया करती थी, किस तरह से इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव गांधी जी ने 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री को रख करके भारत की सभ्यता को खत्म करके जबरदस्ती अकबर, बाबर, औरंगजेब और शाहजहां को बहुत महान दिखा करके इतिहास के पन्नों में पढ़वाया। एक तरफ इतिहास के पन्ने ये बता रहे हैं कि औरंगजेब ने 40,000 लोगों को एक तलवार से मार दिया, लेकिन पढ़ना है कि औरंगजेब अच्छा आदमी है, एक मर्डरर के बारे में पढ़ना है कि अच्छा आदमी है। तो ये सारी चीजें उन्होंने इमरजेंसी मूवीज में दिखाई है, और खास करके ज्यादा ध्यान जो दिया गया है वो 7th शेड्यूल पर दिया गया है कि 14 न्यू आर्टिकल जैसे 31D है, 32A है, 39A है, 43A है, ये सारी चीजें जो अब हिंदुओं के विपक्ष में ज्यादा जाए, हिंदुओं को टारगेट ज्यादा करें, ऐसे आर्टिकल अमेंड किए थे इंदिरा गांधी जी ने। इवन उस सिनेरियो में एक ऐसा आर्टिकल आने वाला था, एक ऐसा कानून आने वाला था कि जैसे अभी लारेब हाशमी ने गला रेत दिया एक बस कंडक्टर का, तो अभी लारेब हाशमी अरेस्ट हो गया, लेकिन अगर वो आ जाता जो आर्टिकल कांग्रेस लेकर आने वाले थे, जो कानून लेकर आने वाले थे, तो उसमें लारेब हाशमी को माला पहनाया जाता और बस कंडक्टर जिसका गला रेता गया है उसको ठीक किया जाता और फिर उसी को जेल की हिरासत में भेजा जाता। तो कांग्रेस ऐसे भी मतलब कानून लेकर के आने वाला था। तो ये सारी चीजों को बहुत खोल करके दिखाया गया है, और ऐसा नहीं है कि अपने आप से एक होमवर्क करके दिखाया गया है, बल्कि नेहरू जी के बुक से उठाया गया है, गांधी जी की बुक से उठाया गया है, सरदार पटेल जी की किताबों से उठाया गया है, उसकी भीमराव अम्बेडकर जी की किताबों से उठाया गया है, और सारी चीजों को इकट्ठा करके इमरजेंसी मूवी बनाई गई है। और जो एक बॉसी नेचर इंदिरा गांधी जी का हमेशा रहा, और एक जो लेडी बॉस वाला और डिक्टेटरशिप वाला जो नेचर इंदिरा गांधी जी का रहा, उसको बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से दिखाया गया, और ऐसा नहीं कि उसमें मिर्च मसाला लगा के दिखाया गया, जो था जो था बिल्कुल ऐसा ही। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे, मैं इंतजार कर रही हूँ मूवी का कि मैं देखूं, क्योंकि कंगना का जो गेटअप है वो, एक सेकंड के लिए जब मैंने वो पोस्टर देखा मुझे ऐसा लगा जैसे सचमुच में वो इंदिरा गांधी जी की पिक्चर है, वो इतना ज्यादा उनका फेस उनसे मिल रहा था, गेटअप मिल रहा था। तो आई एम श्योर कि ये फिल्म जैसे ही आएगी तो हम लोग सब पाकिस्तान वाले भी बड़े शौक से उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच नाजिया कि आपने आज ज्वाइन किया, मगर ये जरूर कहूंगी जाते जाते कि सोनाक्षी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, एंड आई विश कि वो लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे जैसे हमें इस वक्त पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं या फोटोज में। बहुत सारी दुआएं उनके लिए, और प्लीज नेगेटिव लोग थोड़ा सा कम बोले, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप सब बुरा भला बोलेंगे, लेकिन आई विश कि सब खुश हो। मैं तो अपने नमाज पर दुआ करूंगी कि बेचारी सोनाक्षी सिन्हा का किसी भी तरीके से मतलब जहीर के द्वारा कोई दुख ना पहुंचे, ना ही वो कॉलेज में मिले, ना ही वो किसी तरफ से भी दुख ना पहुंचे, या जहीर एक टाइम के बाद, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा उनसे उम्र में भी बड़ी है जहीर से, तो एक टाइम के बाद कहीं दूसरी उठा करके ना ले आए, तो नहीं,
जहीर के पास तो एक इस्लामिक फ्रीडम है ना कि वो ला सकता नहीं, है। मगर ऐसा नहीं हो, हर जगह ऐसा नहीं होता है। और आई विश के दोनों बहुत खुश रहे हैं, और ना सिर्फ वो दोनों खुश रहे हैं बल्कि दोनों के पेरेंट्स भी हंसते मुस्कुराते रहे, और शत्रुघ्न जी को भी लगे कि हाँ मेरी बेटी खुश है और हिफाजत से है, और ये बहुत जरूरी होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए। तो वो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और बहुत अच्छी लग रही थी वो, स्पेशली जब वो उनका एक फंक्शन चल रहा था रेड साड़ी में, वो खूब डांस वांस कर रही थी तब भी बहुत अच्छी लगी। और जही जब पाँव छू रहे थे आई थिंक व्हाइट ड्रेस पहना था दोनों ने तो उनकी शत्रुघ्न जी की, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यही दुआ करूंगी कि ना सिर्फ सोनाक्षी बल्कि किसी भी लड़की के साथ कभी कोई हादसा ना हो, जो भी अपनी पसंद से शादी करती है अपने पेरेंट्स को मना कर या जैसे भी, तो वो खुश रहे और कभी भी ये ना लगे कि कोई गलत फैसला हो गया। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और नाजिया लाई खान जी का ये डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहां पे इन दोनों ने बात की कंगना रनौत के बारे में और खासकर उनके आने वाली मूवी एमरजेंसी के बारे में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार इस टॉपिक के बारे में हमें लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग मजेदार और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।